नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। हमेशा बिग बॉस 13 से जो है बिग बॉस 14 को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन बिग बॉस 14 में कुछ आज ऐसा हुआ जो कि आपको सेम टू सेम बिग बॉस 13 की याद दिला देगा। पहले आसिम रियाज को पोक करते थे लोग, फिर कहते थे भाई तू मेरे को घर से बाहर मिल, घर से बाहर मिल, कभी उसके पैसों का मजाक, कभी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब आसिम रियाज ऐसे भड़के कि उन्होंने सबकी पोल खोल के रख दी। ये वाली फ़ोटो तो आपको याद ही होगी, जब सिद्धार्थ शुक्ला को इतना परेशान कर दिया था आसिम रियाज ने, इतनी बैंड बजा दी थी कि सिद्धार्थ शुक्ला को खुद बिग बॉस से कहना पड़ा था माइक उतार के कि मुझे कन्फेशन रूम में बुलाए। और यह है कन्फेशन रूम की फ़ोटो जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला इतना परेशान हो गए थे कि कह रहे थे मुझे निकालो या फिर इसको निकालो। वैसा ही कुछ आज हुआ। पिछले 2-3 दिन से हम देखते आ रहे थे कि कविता कौशिक पोक करी जा रही थी, कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी शिक्षिका को लेकर, कभी अभिनव की पर्सनल लाइफ को लेकर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, पता नहीं क्या क्या बोलती आ रही थी। लेकिन हमें ये तो पता था कि पता नहीं रूबीना क्यों कुछ नहीं कह रही, क्यों रूबीना इसके ऊपर फट नहीं रही, इतनी नीच हरकत ये कविता कौशिक कर रही है। लेकिन आज सारी कसर दूर हो गई। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आसिम रियाज सिद्धार्थ शुक्ला पे फटे थे ना, एक ऐसा पॉइंट आया था कि उन्होंने बुरी हालत कर दी थी सिद्धार्थ की, उसी तरह से फटिया रूबीना, और उन्होंने ऐसी हालत की कि कहीं ना कहीं आसिम ने मजबूर कर दिया था सिद्धार्थ को कन्फेशन रूम में जाने को, लेकिन यहाँ पे रूबीना ने मजबूर कर दिया घर छोड़ने को। यहाँ दोस्तों घर छोड़ दिया कविता कौशिक निकल, और वो गेट से बाहर निकल के जो है भागे। लेकिन रूबीना को गुस्सा इस बात का नहीं था कि वो उनकी डिवोर्स को लेकर बात करी थी बाहर मिल तुझे बताऊंगी, तेरे पति की नीच हरकतें बताऊंगी, ये सब लेकर। और उसके बाद जिस तरह से रूबीना ने बैंड बजाई, मज़ा आ गया। वेल, आपको क्या कहना, कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। कहीं ना कहीं फैंस फिर से जो है कंपेयर करने लगे हैं पिछले सीन्स यानी बिग बॉस 13 के सीन्स बिग बॉस 14 से।